एच पैरामीटर है, इसमें हमें टू पोर्ट नेटवर्क लेते हैं। जो टू पोर्ट नेटवर्क होता है वो टू पोर्ट नेटवर्क से मिलकर बना होता है। एच पैरामीटर में कुछ इक्वेशंस होगी जो हम निकालेंगे, वहां होगी वोल्टेज के करंट के, करंट के नंबर टू वोल्टेज के, नंबर थर्ड होगी पावर के, करंट गेन निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे वोल्टेज गेन, पावर गेन। ऐसे ही हम सभी इक्वेशन से एच पैरामीटर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। एच पैरामीटर में हमारी दो इक्वेशन होती है, नंबर वन होती है वी वन इज इक्वल टू एच वन वन आई वन प्लस एच वन टू वी टू, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर वन। फिर हो गई आई टू इज इक्वल टू एच टू वन आई वन प्लस एच टू टू वी टू, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब जो हमारी ये एच वन वन होती है, एच वन वन होता है हमारा वोल्टेज अपॉन करंट, क्योंकि हम इसे जो V2 है इसको हम जीरो जीरो के इक्वल रखेंगे, तो जब जीरो के इक्वल करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा गेन। इसे हम रखेंगे इनपुट इम्पीडेंस यानी कि XI, जो हमारा H21 होता है, ये हो जाएगा करंट अपॉन करंट, ये हो जाएगा V2, इसमें V2 हम जीरो रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड 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 पैरामीटर। तो ऐसे ही हम एच वन एच वन वन एच टू वन एच वन टू और एच टू टू की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, वे हो जाएगी हमारी वी आई इज इक्वल टू एच वन वन है हमारा एच आई एच आई, ये हो जाएगा आई आई प्लस और जो हमारा एच वन टू है ये एच एच वन टू एच आर एच आर वी ओ, इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे आई ओ इज इक्वल टू, फिर जो हमारा H21, H21 की वैल्यू हम मार्क्स में देंगे, H21 है हमारा HF, HF, I, I और प्लस H22 की वैल्यू हमारे पास HO, VO, इक्वेशन नंबर फोर। ये हमारे चार इक्वेशन हो गई, और जो हमारा यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज होता है आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा निगेटिव में आउटपुट करंट और लोड रजिस्टर, इक्वेशन नंबर फाइव है। यहाँ हम निकालेंगे करंट गेन, करंट गेन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर हम टू लेंगे, जब इक्वेशन नंबर टू लेंगे ये हो जाएगा हमारा आई ओ इज इक्वल टू एच एफ आई आई प्लस एच ओ वी ओ, यहाँ हम वी ओ की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर फाइव से, ये हो जाएगा आई ओ इज इक्वल टू एच एफ आई आई, यहाँ जब इसकी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई ओ आर एन एच ओ। अब यहाँ पे भी आउटपुट करंट है और यहाँ पे भी आउटपुट करंट है, इसमें हम ये कॉमन ले रहे हैं, पहले हम इसे किधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटपुट करंट लोड रेजिस्टेंस एच ओ इज इक्वल टू एच एफ आई एन, हम यहाँ से आउटपुट करंट को मान ले लेंगे, ये हो जाएगा वन प्लस आर एन एच ओ इज इक्वल टू एच एफ आई आई। तो हम यहाँ से आई ओ, तो यहाँ से है आई ओ, हम आई ओ अब आई ओ की वैल्यू निकालेंगे, आई ओ इज इक्वल टू एच एफ आई आई अपॉन वन प्लस आर एन एच ओ आर एन एच ओ, जब हमारा जो वोल्ट करंट गेन होती है करंट गेन होती है ए आई इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ये हमारा करंट गेन का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ करंट गेन निकालेंगे, तो करंट गेन हो जाएगा हमारा यहाँ पे आई ओ अपॉन आई आई, क्योंकि हम जब इसे इसके अकाउंट में ले
गेन, फिर हम इसके बाद निकालेंगे वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। हमने यहाँ पे निकाल के करंट गेन, करंट गेन से हमने क्योंकि वोल्टेज गेन में कुछ इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे आईआई की वैल्यू। तो आईआई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 RnH1 / HF। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा। जो इनपुट करंट है इसमें हमने यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट की वैल्यू हमें यहाँ से लगी कि हो जाएगा माइनस के आउटपुट वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस इनटू 1 + HO अपॉन लोड रेजिस्टेंस अपॉन HF। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड में हम यहाँ पे जो हमारा ये है इनपुट करंट है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा VI = HI फिर इनटू ये हो जाएगा माइनस के VO आउटपुट वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस इनटू 1 + HO RN / HF फिर प्लस के HR इनटू VO, ये हो गया। अब हम इसका यहाँ पे लेंगे LCM, जब हम इसका LCM लेंगे LCM में हो जाएगा इसका HI माइनस के HI फिर माइनस के HO HI RN into VO + HR VO। LCM जाएंगे तो यहाँ पे HF RN HR VO अपॉन में हो जाएगा HF RN। अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज VI - HI - HO - HR यहाँ पे हम VO की मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा VO - HO - HI - RN VO + HR VO - HF RN / HF RN। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है या इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज हम कॉमन ले लेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज माइनस के HO HI RN + HR HF RN। वोल्टेज गेन हम यहाँ पे निकाल लिया, जैसे हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को मान लिया तो ये हो जाएगा हमारा HI + HO HI - HR FHF, तो ये इनटू में हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस अपॉन HF अपॉन RN HF into RN। तो जो हमारी वोल्टेज गेन है आउटपुट अपॉन आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, तो ये हो जाएगा, तो हम इसका अपोजिट कर देंगे, जब हम इसका अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के HF into RN upon HI plus HO HI - HR HF into RN, ये हो जाएगा हमारी वोल्टेज गेन। ये हमारी वोल्टेज गेन